कोरोना का जो तांडव है इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन चिंता वाली बात प्रतापगढ़ से सामने आई है, जहां मतदान केंद्र पर जमकर हंगामा, नारेबाजी। सूची, मतदान सूची को लेकर दो पेज गायब होने के चलते यह हंगामा काटा गया है। चुनाव आयोग के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है, नारेबाजी है। तो कोरोना काल में हंगामे की भी तस्वीर आ रही है। बताया जा रहा है कि मतदान सूची में दो पन्ने गायब थे, जिसके बाद लोगों में आयोग के खिलाफ गुस्सा कुछ इस तरीके से फूटता देखा गया। प्रतापगढ़ की ये तस्वीरें हैं, जहां दूसरे चरण की वोटिंग के मद्देनजर लोग पहुंचे थे बूथ पर, लेकिन इनका कहना है कि दो पन्ने गायब हैं। अब इसे लेकर आयोग के खिलाफ जो गुस्सा था वो कुछ इस तरीके से फूटा। दोहरी चुनौती है कोरोना काल में जिस तरीके से मतदान हो रहा है, और ऐसे में हंगामे की भी तस्वीरें आई हैं। आगे कुआं पीछे खाई, ये परिस्थिति है। हंगामा रोके, कोरोना रोके, प्रशासन के लिए ये दोधारी तलवार है। ये प्रतापगढ़ की तस्वीरें आई हैं, जहां पर दो पन्ने गायब मिले मतदान सूची की, लेकिन उसके बाद हंगामा काट दिया लोगों ने। तो कोरोना के तांडव के बीच हम आपको सतर्क करने आए हैं कोरोना वायरस के तीन नए स्ट्रेन से, जो विदेश से भारत आ चुके हैं। ये तीनों डबल म्यूटेंट स्ट्रेन हैं, नए कोरोना संक्रमण को जन्म दे रहे हैं। इतने घातक हैं कि अलग अलग तरीके से लोगों को शिकंजे में जकड़ रहे हैं। तीन नए कोरोना वायरस की स्ट्रेन की वजह से देश में होने वाली जांच भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि ये स्ट्रेन जांच को भी धोखा देने में माहिर हैं। इसीलिए देश भर में इस वक्त जो हालात हैं देखे जा रहे हैं। दरअसल इन्हीं तीन नए स्ट्रेन की वजह से ये कोरोना का त्रिकाल तांडव हम आप देख रहे हैं। हर नए दिन के साथ कोरोना और भी ताकतवर होकर सामने आ रहा है, और कोरोना को लेकर एक और खुलासा हुआ जो और भी ज्यादा परेशान करता है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस वक्त देश में तीन तरह के कोरोना वायरस मौजूद हैं, जो डबल म्यूटेंट होकर लौटे। इसमें ब्रिटेन से आया वायरस सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, जो तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। जिसमें से 1189 लोगों में नए कोरोना के संक्रमण मिले। ब्रिटेन, ब्राजील और ब्रिटेन के वायरस बेहद खतरनाक है, तेजी से फैलने और जांच में धोखा देने में ये माहिर है। नोवेल कोरोना वायरस में व्यापक तौर पर रिपोर्ट किए गए म्यूटेशन का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक का मानना है कि इस म्यूटेशन का प्रभाव बेहद खतरनाक है, जिसे बी
1.1.7 का कोड नेम दिया गया है। उसे ब्रिटेन में हाल के केसों में व्यापक रूप से ट्रैक किया जा चुका है। हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग पिछले मई जून के महीने से कर रहे हैं देश में। कुछ महीने पहले दुनिया के सामने आई, लेकिन हमारी बायोटेक्नोलॉजी की लैब्स में, विशेषकर कल्याणी में, CSIR में हम लोग लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग पिछले ऑलमोस्ट एक साल से ही कर रहे थे। 13,000 से ज्यादा जो अभी सर्ज के बाद विशेष रूप से जो कंसोर्टियम बनाया है 10 लैब्स का, और अभी कल हमने निर्णय लिया कि इसमें और भी ज्यादा कुछ लैब्स को हम इन्वॉल्व करेंगे जिनके पास इस प्रकार की काबिलियत होगी। ब्रिटेन का वायरस कोड B.1.1.7, दक्षिण अफ्रीका कोड B.1.351, ब्राजील कोड B.1। नए वेरिएंट वायरस के पहले के वेरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक हो सकता है, जबकि वैज्ञानिक अभी भी इसके लिए सटीक स्पष्टीकरण को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे गंभीरता से लेना सही है, हालांकि इसके प्रभावित करने की क्षमता का अनुपात 30-70 का है। वुहान चीन में पहली बार सामने आने के बाद से SARS-CoV-2 में कई बदलाव देखे हैं। UK वेरिएंट B.1.17 के शुरुआती जीनोमिक लक्षणों के मुताबिक इसमें असामान्य तौर पर कई बड़े जेनेटिक बदलाव देखे गए, खासतौर पर स्पाइक प्रोटीन में, जो अक्सर इस बात के लिए जिम्मेदार होता है कि वायरस मानव कोशिकाओं के साथ कैसे संपर्क करता है। UK का, that is Britain virus and it is also called as B.1.17, ये सिंगल म्यूटेशन वायरस है, ब्राजील से थोड़ा कम, लेकिन इसमें भी रेजिलिएंट पावर, रेजिस्टेंस पिछले वाले से कई गुना है। इंडिया में सबसे पहले ये वायरस 29 दिसंबर को मिला था। इसका ध्यान रखें कि बीमार होने के 10वें दिन आप अचानक से आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, क्योंकि इस बार साइटोकाइन जो स्टॉर्म है वो 10वें दिन आ रहा है। जीनोम सिक्वेंसिंग के नतीजे दिखाते हैं कि वेरियंट गुनहगार हो सकता है। महाराष्ट्र के कई जिलों और खासकर मुंबई में इस वेरिएंट का प्रसार 60% तक है। भारत के 10 राज्यों में मिले सैंपल्स में B.1.617 पाया गया था। इसमें दो गंभीर म्यूटेशन होते हैं जो इसकी इम्यूनिटी से बचने और फैलने की संभावना बढ़ाते हैं। कोरोना वायरस का ब्रिटिश स्ट्रेन भारत पहुंच चुका है। यहां के वायरोलॉजिस्ट, वैज्ञानिक और डॉक्टरों की चिंता बढ़ गई है। B.1.1.7 नाम के वायरस ने दुनिया के 16 देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। हजारों की संख्या में सैंपलिंग में इस नए स्ट्रेन की मौजूदगी का खुलासा हुआ है। इस नए स्ट्रेन के असर, इसकी प्रसार क्षमता समेत तमाम पहलुओं पर वैज्ञानिक जांच कर रहे हैं। इस नए स्ट्रेन ने देश के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की चिंता और बढ़ा दी है। भारत ने बीते महीने में 1% से भी कम पॉजिटिव मामलों की सिक्वेंसिंग की है। देश अब बचे हुए मामलों को कवर करने के लिए हाथ पांव मार रहा है, जबकि ये वायरस जितनी तेजी से फैल रहा है उसे कुछ वक्त बाद पूरे देश में इसका प्रसार देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लग सकता है, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। संक्रमण की चेन को रोकने के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लग सकता है। 12 बजे CM केजरीवाल ऐलान कर सकते हैं। CM केजरीवाल और LG की बैठक जारी है। 19 अप्रैल की रात से 26 अप्रैल तक का लॉकडाउन रहेगा, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। तो दिल्ली के हालात को देखते हुए 1 हफ्ते का पूरा लॉकडाउन लग सकता है, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली को लॉकडाउन से गुजरना पड़ सकता है 1 हफ्ते के लिए। आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके कोरोना के लिए, उसके रोकथाम के लिए 1 हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है, इस वक्त की बड़ी खबर। 12 बजे केजरीवाल ऐलान कर सकते हैं, तो सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। लीजिए इस वक्त की बड़ी खबर, यह साफ तौर पर बता रहा है कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन, दिल्ली को 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन करना पड़ेगा। कोरोना विस्फोट को देखते हुए 1 हफ्ते के लॉकडाउन का फैसला। अविनाश से जानकारी लेते हैं। अविनाश, 12 बजे की PC से पता चलेगा या फिर ये क्लियर हो चुका है कि 12 अब लगेगा 1 हफ्ते का लॉकडाउन?
देखिए इसमें लता ये अब कंफर्म हो चुका है कि लॉकडाउन लगेगा, बस औपचारिक ऐलान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 12 बजे की प्रेस वार्ता करके देंगे। अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने अभी उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की है और कल दिल्ली में 25,862 मामले आए थे और 61 लोगों की मौत हुई थी। संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसके साथ साथ तमाम सारी जरूरी दवाएं भी दिल्ली में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसके मद्देनजर संक्रमण और ज्यादा न बढ़े जिससे कि लोगों को अस्पताल की ओर जाना पड़े, इसलिए निर्णय लिया जा रहा है 12 बजे औपचारिक ऐलान होगा। अब ये कंफर्म हो चुका है कि आज रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, यानी कि एक हफ्ते का पूरा कर्फ्यू रहेगा। आज 19 अप्रैल है, 19 अप्रैल को रात कर्फ्यू से लेकर 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। सिचुएशन रिव्यू होगा और आगे ये कर्फ्यू बढ़ भी सकता है बाद में। अरविंद केजरीवाल 12 बजे इसका औपचारिक ऐलान कर देंगे। किन किन चीजों का, ये पिछली बार जैसे ही लॉकडाउन होगा संपूर्ण लॉकडाउन या फिर कुछ चीजों की रियायत, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है अविनाश? देखिए अगर बात करें तो एसेंशियल सर्विस के लिए रियायत रहेगी, इसके अलावा जो तमाम सारे लोग ट्रेन पकड़ने के लिए या फ्लाइट पकड़ने के लिए निकलते हैं उनको छूट रहेगी, जरूरी सेवाओं में जो लोग लगे हुए हैं उनको छूट रहेगी, बाकी संपूर्ण तरीके के काम काज बंद रहेंगे, ये निर्णय लिया गया है अभी। यानी दफ्तर और तमाम चीजें भी बंद रहेंगी, बस जरूरी चीजों जी दफ्तर वगैरह सभी चीजें बंद रहेंगी, सिर्फ जो जरूरी सेवाओं को लेकर जैसे मेडिकल सुविधाएं हैं और ये तमाम बड़ी अन्य सुविधाएं, जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोग ही केवल निकल सकेंगे, उन्हीं की दुकानें केवल खुली रहेगी। और इसके साथ साथ जो लोग फ्लाइट या ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हैं स्टेशन की ओर, वो अपना टिकट दिखाकर आ जा सकेंगे, इसके अलावा और किसी को इजाजत नहीं होगी घर से बाहर निकलने की। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो की क्या? देखिए मेट्रो ने अभी अपना औपचारिक ऐलान नहीं किया है क्योंकि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करेंगे, उसके बाद मेट्रो की तरफ से कोई वर्जन आएगा। क्योंकि अगर वीकेंड लॉकडाउन की बात करें तो जिस तरीके से वीकेंड लॉकडाउन रहा है तो मेट्रो ने मेट्रो का संचालन किया है, हालांकि मेट्रो की सर्विसेज डिले रही है लेकिन संचालन रहा है। अब मुख्यमंत्री ऐसे ऐलान करेंगे उसके बाद दिल्ली मेट्रो की ओर से अवगत कराया जाएगा कि मेट्रो किस तरीके से संचालित होगी। ठीक है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या रहेगा अविनाश, जैसे बसेस हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा, जिस तरीके से वीकेंड लॉकडाउन में बंद था उस तरीके का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा। जो तमाम सारी कैब या टैक्सियां हैं वो चल रही थी, बाकी जो उसी तरीके से चलती रहेंगी, क्योंकि जो लोग जरूरी सुविधाओं से आना जाना चाह रहे हैं उनको जाने आने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ये सुविधाएं चलती रहेंगी। कैब फैसिलिटी रहेगी लेकिन बसेस नहीं, जहां पर ज्यादा लोग इकट्ठे होकर चल सकते हैं वो सारी चीजें बंद रहेंगी अविनाश। तो 12 बजे इन सब चीजों की घोषणा होगी। पिछली बार जैसी तस्वीरें आई थी, क्या इस लॉकडाउन की थोड़ी तैयारी है, क्या थोड़ा पहले से ज्यादा प्रिपरेशन है अविनाश, ऐसा माना जाए क्या? देखिए अगर बात करें तो प्रिपरेशन अपनी ओर से मुख्यमंत्री ने किया है, तमाम सारे सिचुएशन को रिव्यू करने के बाद ही निर्णय लिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं अब कई लोग विशेषज्ञ हैं वो लगातार यही कर रहे हैं, इसका उपाय यही कंप्लीट लॉकडाउन किया जाए जिससे कि संक्रमण को रोका जा सके, क्योंकि ये जो दूसरी लहर चल रही है इसमें संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, लोग संक्रमित ज्यादा हो रहे हैं, लिहाजा लोगों को बचाया जाए, लोगों की जान बचाया जाए, हॉस्पिटल में रशेस कम हो, इसलिए अब लॉकडाउन लगाना अनिवार्य हो गया और निर्णय हो चुका है राज्यपाल और मुख्यमंत्री की बैठक के बाद। उपराज्यपाल से बैठक करके मुख्यमंत्री निकल चुके हैं, 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका औपचारिक ऐलान कर देंगे। बहुत बड़ी बात है ये, अब देखना होगा कि बाकी राज्य भी क्या दिल्ली को देखकर, क्योंकि देखिए केसेस की संख्या दिल्ली में है और ऐसे ही कमोबेश हालात देश के कई राज्यों के, उत्तर प्रदेश की भी यही हालात है, देखते हैं क्या होता है आगे। बहरहाल दिल्ली से ये बड़ी अपडेट हमारे सहयोगी अविनाश ने तमाम जानकारी दी, अविनाश आपका शुक्रिया। 12 बजे अहम बैठक होगी और माना यह जा रहा है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी, औपचारिक घोषणा हो सकती है दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन, और सबसे बड़ी बात कि परिस्थिति को नियंत्रण में करने के लिए ये एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया जा रहा है। एक हफ्ते के बाद क्या होगा ये आने वाले वक्त में बैठकर तय किया जाएगा। तो कोरोना का त्रिकाल तांडव समझा रहे थे आपको, जहां ब्रिटेन के स्ट्रेन के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के भी स्ट्रेन घातक और जानलेवा हैं। इस वक्त देश में ये फैल रहे हैं, इन देशों के जो स्ट्रेन आए हैं उसकी पुष्टि भी कई देशों की जांच के बाद ये हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका का नया स्ट्रेन कोरोना स्ट्रेन तो इसलिए भी घातक है क्योंकि यहां इस्तेमाल हो रही कोरोना वैक्सीन उस पर ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रही है। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील का वायरस भी खतरनाक, जीनोम सीक्वेंसिंग में सामने आए खतरनाक वायरस, ब्रिटेन के वायरस की तरह ही दोनों बेहद घातक।
तेजी से फैलते हैं दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के स्ट्रेन। भारत में हाल ही में मिले यूनाइटेड किंगडम के 187 रूपांतरित कोरोना वायरस नमूनों के बाद दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में पाया गया कोरोना वायरस का नया रूप भी अब देश में दाखिल हो चुका है। बीते जनवरी में 4 लोगों में कोरोना वायरस का दक्षिणी अफ्रीकी वेरिएंट सामने आ चुका है, जबकि फरवरी के पहले हफ्ते के दौरान एक व्यक्ति में ब्राजील के कोरोना वायरस वेरिएंट का पता चला। भारत आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के मुताबिक दक्षिण अफ्रीकी कोरोना वायरस वेरिएंट की पहचान जिन 4 लोगों में हुई है उनमें से एक व्यक्ति अंगोला, एक व्यक्ति तंजानिया और 2 लोग दक्षिण अफ्रीका से भारत आए हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने ब्राजील में पाए गए कोरोना वायरस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में रूपांतरण और बढ़ी हुई प्रसार क्षमता देखी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि रूपांतरित कोरोना वायरस के तेजी से फैलने में ये कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। वायरस का नया रूप अब तक करीब 15 देशों में फैल चुका है। ICMR के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने नए कोरोना वायरस की जानकारी देते हुए बताया कि SARS-CoV-2 के दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन को 20H/501Y.V2 या B.1.351 भी कहा जाता है। कोरोना का ये स्ट्रेन सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुआ है और इससे जुड़ा पहला केस दिसंबर 2020 के बीच आया था। UK स्ट्रेन की तरह ही दक्षिण अफ्रीका का स्ट्रेन भी तेजी से फैलने वाला बताया जा रहा है। ये कोरोना का ऐसा स्ट्रेन है जो युवाओं को भी अपनी गिरफ्त में लेता है। दक्षिण अफ्रीका में ऐसे के सामने आए हैं जब वायरस के नए स्ट्रेन से कम उम्र के लोग भी संक्रमित हुए हैं। हालांकि अब तक इस वेरिएंट को लेकर ऐसे तथ्य सामने नहीं आए कि ये ज्यादा घातक है। कोरोना की दूसरी लहर काफी ज्यादा घातक है, शायद इसीलिए कोरोना के संक्रमण के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना 24 घंटे का रिकॉर्ड टूट रहा है और मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। UK स्ट्रेन की तरह इस बार दक्षिण अफ्रीका का स्ट्रेन मिला है और दक्षिण अफ्रीका का जो स्ट्रेन है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा परेशान कर रहा है लोगों को। SARS-CoV-2 के दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन को B.1.351 भी कहा जाता है। कोरोना का ये स्ट्रेन सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुआ है और इससे जुड़ा केस पहली बार दिसंबर 2020 में आया था। UK स्ट्रेन की तरह ही दक्षिण अफ्रीका का स्ट्रेन भी तेजी से फैलने वाला बताया जाता है और काफ़ी घातक बताया जाता है। ये कोरोना का ऐसा स्ट्रेन है जो युवाओं को भी अपनी गिरफ्त में ले रहा है, ऐसा स्ट्रेन जो काफ़ी ज़्यादा घातक है और युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। कोरोना की अगर रफ्तार को देखा जाए तो कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और ये रफ्तार बढ़ते बढ़ते अब आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा तेज़ बढ़ गया है। कानपुर नगर की बात की जाए तो 2000 के आसपास और प्रदेश की बात की जाए तो 27,000 से ज़्यादा पेशेंट कोरोना संक्रमित रोजाना निकल के आ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीकी वायरस की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि भारत कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिस कोविशील्ड वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहा है उसके इस्तेमाल पर दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने रोक लगा दी है क्योंकि वैक्सीन के इस स्ट्रेन से लड़ने की क्षमता लिमिटेड है। ब्राजील का स्ट्रेन जिसका नाम P1 है सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये पिछली बार से ज्यादा कंटेजियस है, ज्यादा फैल रहा है और रीजन इसका है कि इसकी जो प्रोटीन की लेयर है वायरस के ऊपर उसमें 12 स्पाइक्स प्रोटीन का म्यूटेशन है। ये 2.5 times ज्यादा इन्फेक्शियस है पुराने वाली लहर से। इतना कंटेजियस है कि अगर किसी की फैमिली में किसी एक बंदे को हुआ है तो ये सबको फैल रहा है और जो भी हमारी वैक्सीन है जैसे हमने फाइजर की लगाई है, कोविशील्ड लगाई है या कोवैक्सीन लगाई है इनसे हमें पार्शियल इम्यूनिटी मिलने के कुछ चांसेस हमने देखे हैं, पर इसका सिंपल और एक सिंपल तरीका है प्रोटेक्शन का, वो है मास्क। कोरोना का जो स्ट्रेन ब्राजील का बताया जा रहा है उसे 20J/501Y.53 या P.1 के तौर पर भी जाना जाता है। ये स्ट्रेन पहली बार ब्राजील में ही पाया गया था। ब्राजील में इस स्ट्रेन के काफी केस सामने आए हैं, खासकर ब्राजील शहर में इससे जुड़े काफी केस सामने आए हैं। ब्राजील का ये स्ट्रेन करीब 15 देशों तक फैल चुका है। भले ही कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और पहली लहर से कई गुना भयावह है कोरोना का दूसरा स्ट्रेन, लेकिन ब्राजील का जो कोरोना का स्ट्रेन आया है उसे P1 कहते हैं और ये स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है
और एक स्टडी के मुताबिक 15 देशों में कोरोना का ब्राजील स्ट्रेन, जिसे P1 के नाम से जाना जाता है, वो फैल चुका है। ऐसे में जो लगातार स्टडी निकल कर सामने आ रही हैं, लगातार जो डॉक्टर्स के रिसर्च निकल कर सामने आ रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि ब्राज़ील का जो कोरोना स्ट्रेन है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और उससे ही सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति भी लगातार इसी वजह से आलोचना के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन से ज़्यादा अर्थव्यवस्था को वैल्यू दी और जब वहाँ स्थिति बिगड़ी तो उसके बाद अब वहाँ की जनता भी उनके विरोध में आकर खड़ी हो गई है। जब ब्राजील में P.1 कोड के नए स्ट्रेन वाले कोरोना वायरस का खुलासा हुआ था तो उसके बाद इसकी जांच करने वाले जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज ने बताया कि 2 जनवरी को ब्राजील से आए यात्रियों में कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया। जिन लोगों में स्ट्रेन पाया गया था उनकी उम्र 10 साल से लेकर 40 साल तक की थी। NIIT ने बताया था कि इस वायरस के 12 म्यूटेशंस हैं। जो तीसरा है वो साउथ अफ्रीका का वायरस है। ये मार्च के अराउंड इंडिया में आया था सबसे पहले। इसका नाम है B1.351। इट इज अ डबल म्यूटेशन वायरस, मतलब वायरल अपने ओरिजिनल फॉर्म से 2 times ज्यादा म्यूटेट हो चुका है। ये जितने भी वायरस हैं ये देखे गए हैं कि लंग्स में ल्यूमोसाइट सेल्स होती हैं, उनको अटैक करते हैं जिसकी वजह से लंग कोलैप्स होता है, पानी भरता है और सांस लेने में दिक्कत आती है। इन वायरस में पुराने लक्षण तो है ही, साथ में नए लक्षण जैसे आंखों में जलन, आंखों में लाली, आंसू आना, शरीर में रैश पड़ना। इनफैक्ट ये इस तरीके का म्यूटेशन है कि RT-PCR टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं आया। यानी कोरोना के दोनों नए स्ट्रेन ऐसे हैं जो न सिर्फ तेजी से फैलते हैं बल्कि कम उम्र के लोग भी इससे संक्रमित हो चुके हैं। यही वजह है कि भारत में इन 2 नए स्ट्रेन के केस आने के बाद चिंता बढ़ गई है। अब तक देश में ज्यादा उम्र के लोगों में कोरोना संक्रमण के ज्यादातर केस पाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।